जो मनुष्य इन बातों को धारण करते हैं उनको बाद में पछताना नहीं पड़ता। दोस्तों, ऐसी कौन सी वह बातें हैं, आइए हम इस ज्ञानवर्धक कहानी से आपको बताते हैं। एक समय की बात है, एक राजा घनघोर जंगल में भटक गया। उसके साथ आए हुए सैनिक और मंत्री भी उससे बिछड़ गए। उस जंगल में भटकते हुए राजा को बहुत जोरों की प्यास लगी। राजा का गला सूख रहा था, दूर दूर तक पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्य की गर्मी भी अपने चरम पर थी, धरती तप रही थी। राजा से अब प्यास के कारण रहा नहीं जा रहा था। राजा ने इधर उधर नज़र दौड़ाया तो उसे एक वृक्ष के पत्तों से पानी की कुछ बूंदें गिरती हुई दिखाई दी। राजा ने जब यह देखा तो उसकी व्याकुलता कुछ शांत हुई। राजा तुरंत उस वृक्ष के पास गया और वहाँ पर गिरे पत्तों का एक दोना बनाया और वह जिस वृक्ष के पत्ते से पानी की बूंदें गिर रही थीं तो उन पानी की बूंदों को बनाए गए दोने में भरने लगा। कुछ देर में वह दोना पानी से भर गया। राजा प्रसन्न होकर दोने के पानी को पीने के लिए जैसे ही मुंह के पास ले गया, वैसे ही एक पेड़ पर बैठा तोता उड़कर राजा के दोने को अपने पंखों के प्रहार से नीचे गिरा दिया। राजा ने सोचा कि आज तो मेरा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। राजा ने फिर उस दोने को उठाया और फिर से पानी की बूंदों को उसी दोने में भरने लगा। कुछ समय लगने के बाद वह दोना पानी से भर गया। राजा ने वह पानी पीने के लिए फिर से जैसे ही मुंह पर लगाया, वह तोता पुनः उस दोने को अपने पंखों के प्रहार से नीचे गिरा दिया, जिससे सारा जल जमीन पर गिर गया। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि मैं इतनी मेहनत करके इस दोने में बूंद बूंद पानी को भरता हूँ और यह दुष्ट पक्षी मेरी मेहनत को नष्ट कर देता है। राजा ने कहा कि अगर इस बार इस पक्षी ने ऐसी हरकत की तो मैं इसे मार दूंगा। इतना कहकर राजा ने एक हाथ में चाबुक लिया और एक हाथ में दोने को लेकर उन्हें पानी भरने लगा। बूंद बूंद करके पानी गिर रहा था, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा था। कुछ समय बाद वह दोना पुनः पानी से भर गया। इस बार राजा ने जैसे ही पानी को पीना चाहा, वैसे ही वह तोता उड़कर राजा के पास पहुंचा ही था। तभी राजा ने उस तोते को चाबुक से मार डाला, लेकिन इस बार भी दोने में भरा पानी जमीन पर गिर गया। राजा ने सोचा कि यहाँ पर पानी भरने में समय ज़्यादा लगता है, तो क्यों ना जहाँ से पानी आ रहा है वहीं पर जाकर पानी को भरा जाए और जल पिया जाए। राजा यह सोचकर जैसे ही वहाँ पहुँचा तो राजा अस्तब्ध रह गया। ऐसा लगा मानो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजा ने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा जहरीला अजगर लेटा हुआ है और उसके मुँह से जहरीला लार बह रहा है, जो वृक्ष की टहनियों से होकर पत्तों द्वारा टपक रहा है। दोस्तों, राजा जिसको पानी समझ रहा था वह अजगर का जहरीला लार था। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा अपने आप को कोसने लगा, हे प्रभु, मैंने यह क्या कर दिया। जो पक्षी मेरी जिंदगी को बचा रहा था मैंने उसी की जिंदगी को खत्म कर दिया। काश मैंने ऋषि मुनियों के बताए गए उत्तम मार्ग को धारण किया होता, अपने क्रोध पर नियंत्रण किया होता, तो मेरे हाथों निर्दोष हितैषी पक्षी की हत्या ना होती। हे भगवान, मैंने अज्ञानता बस बहुत बड़ा पाप कर दिया। इस तरह से राजा घोर पश्चाताप करने लगा। दोस्तों, क्षमा और दया को धारण करने वाला सच्चा वीर होता है। क्रोध में मनुष्य दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर बैठता है। क्रोध वह अज्ञानता है जिसका जन्म अज्ञानता से होता है और बाद में सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। इसलिए हमेशा क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्षमा और दया को धारण करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।